पार्लियामेंट के हिसाब से बहुत जूनियर हूँ. उदित भाई चले गए. वाइल ही वाज स्पीकिंग ही सेड ही इज फ्रॉम JNU एंड आई हैव टाइम एंड अगेन सेड दैट आई एम वन ऑफ दोज हु कुड नॉट गेट इनटू JNU. तो जब मैं उनसे कहना चाहता था कि कभी हम लोगों से भी बात करके देखो कि हमारा डिप्रिवेशन आज तक नहीं गया. जेन्युइनली आई टेल यू आई हैड कम फ्रॉम बिहार टू गेट इनटू JNU एंड JNU रिफ्यूज्ड एडमिशन. मुझे मिला नहीं और मैं अपने आप को एकलव्य मानता हूँ JNU का. JNU वाला नहीं हूँ, JNU जैसा हूँ. लुक, I'll just take a few minutes to tell you that HECI bill will make sure it doesn't pass in this parliament. Whatever comes, Comrade Raja, if it requires going into the well, I have not gone into the well so far. I'll go into the well. I don't even deny the possibility of being named. I'm ready to be named if it means going to the well and making your point. I'm not doing you any favor. I'm saving this country. As the four honorable judges said on 12th of January, that the future generations should not be telling that what did you do? Why did you sell your soul? So we'll not sell our soul. We'll speak our mind. Friends, today itself in the parliament, a gentleman, Naresh Gujralji, gave a private member's bill on enhancing the productivity of the house. And as a parliamentarian, you look for an opportunity to get into space and speak your mind. आपके साथ दिक्कत है कि आपके नाम में जवाहर भी लगा हुआ है और ये मौसम इन दिनों जवाहर के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है. किसी भी नामुराद मुराद वाली चीज में जवाहर लगाइए, अगले दिन देख लीजिए आप क्या हो रहा है. So I referred to Jawaharlal Nehru ji when he was presenting in the Constituent Assembly, which is present day Central Hall, which Yashwant Sinha ji was referring to. Today itself I saw that the plaque is there which says that the Constituent Assembly debate took place here. When he moved the objective resolution, he spoke about so many things. Many things which present dispensation doesn't like. But then he spoke. He referred to something called oath of tennis court. And I today shared in parliament that post 1789, after the French Revolution, बादशाह ने सोचा कि सांसदों के साथ बैठ करके एक नई संविधान एक हम बनाए. थोड़े दिन बाद बादशाह को लगा कि अरे इसमें तो ये हमारे खिलाफ भी मामला आ रहा है. तो बादशाह ने दो चार कमरे बंद करवाए, इसी तरह के कमरे रहे होंगे. फिर भी बातचीत चलती रही, बादशाह ने बाकी कमरे बंद करवा दिए. तो पूरी की पूरी असेंबली टेनिस कोर्ट में गई. इसलिए उसको कहते हैं ओथ ऑफ टेनिस कोर्ट. We as a citizen, we have to remember when Pandit Jawaharlal Nehru said oath of tennis court, it was not only meant for 46, 47, 48, it meant there could be occasion when we have to go to. Udit bhai keh rahe the ki sadak pe nahi utar rahe. Are aap to sadak pe hi hain 2016-15 se. Hum nahi utar paaye time pe. I think the first opposition voice came from JNU. Nahi to baki sab log overwhelmed the. प्राइवेट कन्वर्सेशन में लोग तो 20 साल दे रहे थे, आपकी वजह से घटा दिया है. सो थैंक्स टू यू. और आई बिलीव वेरी स्ट्रांगली दैट HECI बिल इज एक्चुअली द बुलेट ट्रेन. दोनों में बड़ी सिमिलैरिटी है. इस मतलब इनकी तारीफ में मैं एक बात कहूंगा कि इनकी तारीफ करनी होगी इस बात के लिए इन्हें बड़ा एक धमाका करने की आदत है. तो इन्होंने बुलेट ट्रेन का धमाका किया. अब बुलेट ट्रेन में कौन चढ़ेगा, कब बनेगी, किन के रोजगार जाएंगे, किन किसानों की जमीन जाएगी, उससे मतलब नहीं है. तो ये एजुकेशन के सेक्टर का बुलेट ट्रेन है. अगर ये चलेगी तो हम आप नहीं चलेंगे, हमारे इंस्टीट्यूशंस नहीं चलेंगे. माई ओनली फियर इज सर विच आई विश टू शेयर विथ यू ऑल. They are actually master of, I will call them maverick. अभी हमने सुना कल परसों में एक मेडिकल काउंसिल का भी एक बिल आ रहा है. अब खुदा जाने कैसे उसको मनी बिल बना के ला रहे हैं राज्यसभा में. अब उसमें मनी वाली बात मुझे कुछ नहीं लगी. अब मनी बिल लाने का मतलब है कि राज्यसभा अगर उसको वीटो भी करती है तो वो पास होगा.
मुझे दुख है कहीं HECI, डर है कि इसमें भी HECI में वो मनी वाला क्लॉज लगा कर ना लाए. कम वॉट मे, दे डोंट हैव मच टाइम. आज यशवंत सिन्हा जी राइटली सेड, कभी कभी बुरे वक्त में वक्त आपका साथ दे देता है. ये ऐसा वक्त है जो अच्छा वक्त नहीं है, लेकिन इस वक्त में एक स्पेस हमें मिला है जिसके कारण शायद ये बिल अभी ना आए. एक ग्रेडेड ऑटोनॉमी का मामला है. JNU के ही मेरे साथ है, मेरी पूर्व छात्रा मुझे ट्यूट भी कर रही हैं. मैंने एक JNU के PhD MPhil के मसले को भी मैंने प्रकाश जावड़ेकर जी से लिखा. कभी कभी छोटी छोटी सफलताएं मिल जाती हैं. मसलन दिल्ली यूनिवर्सिटी में MPhil PhD में वो एक मामला आ गया था, और अचानक से जब मैंने देखा, मैंने कहा यार कमाल की चीज़ हो रही है कि सोशल जस्टिस को भी रिवाइज कर रहे हो. 50% का बार एक जैसा, इक्वालिटी बिफोर लॉ का पूरा अपने जो स्पिरिट है आर्टिकल 15 Clause 4 का और 16 Clause 4 का, आपने उसको बदल के रख दिया. कैन यू बिलीव इट, व्हेन आई रेज्ड इट इन द हाउस, जावड़ेकर साहब के अच्छा आई डोंट नो. आई टेल यू देन ही आस्क्ड फॉर अ नोट, आई गेव हिम, इट वॉज इमीडिएटली विथहेल्ड. सो लेट्स मेक श्योर दैट वी वर्क टूगेदर. We don't have any other choice also. We need to work together. और उदित भाई कह रहे थे, मैं तो कहना चाह रहा था, पता नहीं दुखी बहुत थे, 2-3 दिन से ऐसा चल रहा है. उन्होंने कहा सड़क अब क्या करें. कि एक फेडरलिज्म वाली चीज़ों को भी देखने की ज़रूरत है. This gentleman who is running our country, he loved talking about cooperative federalism. और ये शब्द इतनी बार दोहराया गया है ना, और जब ये कोई शब्द बार बार दोहराए ये रजीम, तो आपको एक बार चादर उठा के देखने की जरूरत है कि मामला है क्या. तो ये एक्चुअली कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का हिंदी तर्जुमा करिए तो वो होता है सहकारी संघवाद, लेकिन मूलतः ये है अहंकारी संघवाद. इट इज अहंकारी संघवाद इन एवरी रिस्पेक्ट. एंड वंस अगेन आई थैंक यू वेरी मच. And as far as the only help I did was to facilitate the booking of this hall, you can count me in forever till the time they decide to block this space also. But that probably wo waqt aayega nahi. Thank you so much. Thank you, my friends. Always remember.